अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। और भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात का हाल चाल, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगा। भाई एक हिंदू ने कमेंट करा हो, वैसे तो तेरा कमेंट करा है, और आमतौर पर जो कमेंट्स हैं उन पर मैं कम ही वीडियो बनाऊ हूँ, तो मैंने आज कमेंट्स का जवाब मैं कह दी कि भाई मैं तेरा जवाब वीडियो में देऊंगा। वैसे ना दे कमेंट यू है, देखो हिंदू भाई है, यानी वैसे तो काफी गाली गलोच भी दे रहा है कि उन गाली गलोचों का जवाब मैं ना दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अलबत्ता यह कमेंट का जवाब दूंगा। यानी इनको कहिएगा तू हिंदुओं के बारे में कहाँ जाना। भाई मैं वैसे तो बहुत कुछ जानू हिंदुओं के बारे में, लेकिन एक ऐसी चीज में जानू हूँ जाइए मेरे ख्याल से तू ना जाना, लेकिन तेरा हिंदुओं का जो बड़ा है ना वे जाना है। और यह बात मैं आप अपनी तो अपनी जुबानी ना बल्कि हिंदू की जुबानी बताऊंगा कि वो कहा बात ले सुन ले फिर यार वीडियो के अंदर। वेद का मंत्र है वो, अनकही का मंत्र है, जिसको सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, हाँ हाँ, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, हाँ, और ये मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। अनकही, हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इला हरणी पापम, ला इला हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति प्राप्ति तो जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अनुवाद हुआ ला इला हरणी पापम, ए भक्त ला इला कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे, क्या इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परम पदवी मिल जाएगी, हाँ। और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता लग गो कि जब कहे कि तुम्हारी जान फंसी रहे ना निकले ना हरू, तो फिर तुम मुसलमानों का कलमा को सहारो ले हो, फिर जाके अभी रू निकले सहूलत के साथ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान और हमने मुसलमान हो उन पर फख्र है, ठीक है। तो मजबूरी के टाइम पे जो तुम हमारा कलमा पढ़ो बस बेहतरी है कि तुम बखुशी हमारा कलमा है कबूल कर लो, तो जिंदगी भी आफियत के साथ गुजर जाएगी और मरते वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रूह निकालने में तुम्हारी आसानी का आसानी वाला मामला करेगा, ठीक है। बाकी तेरे मेरा भाई कोई और तेरे को सवाल हो गए तो कमेंट कर दिए, सोच समझ के करिए, फिर इंशाल्लाह जवाब मैं वीडियो की शक्ल में दूँ, ठीक है। फिर अपना ख्याल रख लिया, शेयर कर दो पूरी मेवात में, शेयर करते हो जितना हमारा हिंदू भाई है उन लोग भी शेयर करते, ठीक है। फिर अपना ख्याल रखिए, आपको अपने यूसुफ मेवात एक वालदा को दहंगल बड़ी खोरी पहाड़ ऊपर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।